यथा काशी हिनुत्तमा, काशी सबसे श्रेष्ठ है, काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरण से मुक्ति हो जाती है। यहाँ पर स्पर्श स्त्री का भाव गंगादि पवित्र नदियों से है, उनके स्पर्श मात्र करने से पापों का नाश होता था, उनके दर्शन मात्र से कल्याण है और चुंबन मतलब आचमन मात्र से मुक्ति मिल जाती है आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर, ये कहा गया। मत पार्वती पताये बनारसा। वरुणा और अस्सी के बीच में बैठे हुए शहर को बनारस बोलते हैं। बना हुआ रस। इस पूरे ब्रह्मांड पर नाना देशों के मध्य एशिया में एक देश भारत है। भारत का एक प्रांत उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान काशी नाम से विख्यात है। काशी हमारी माइथोलॉजी के अनुसार हिंदू मात्र के लिए आध्यात्मिक चरम स्थान रखता है। समस्त भारतीय अपने अंतस्तल में यह कामना करता है कि जीवन में एक बार काशी जाएं, गंगा स्नान करें और विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करें, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे संस्कारों में जब उपनयन संस्कार होता है यज्ञोपवीत, तो उस समय भी ब्रह्मचारी से कहा जाता है कि तुम विद्या ग्रहण करने के लिए काशी जाओगे। काशी में गंगा नदी जो हिमालय से चल रही हैं, हिमालय से चलकर जब हरिद्वार ऋषिकेश पटना बिहार होते हुए जब ये प्रयागराज से काशी को आ रही हैं, तो ये बाकी पार्ट में नॉर्थ टू साउथ में फ्लो कर रही हैं, बट वाराणसी में साउथ टू नॉर्थ जा रही हैं। उल्टी गंगा कहते हैं, उत्तरवाहिन्याम, उत्तरवाहिनी गंगा है। काशी सृष्टि के आरंभ से ही एक स्पिरिचुअल सेंटर रहा है, द एंशियंट लिविंग सिटी। ये वो शहर है जहाँ देवी देवता वास करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। ये वो शहर है जहाँ भगवान से मिल सकते हैं। यू कैन फील द स्पिरिचुअल एनर्जी वेयर एवर यू आर गोइंग इन द टेम्पल। काशी संपूर्ण तीर्थों का वास है, मतलब इस संपूर्ण संसार में जितने देवी देवता तीर्थ स्थान बतलाए गए हैं वो सारे काशी में वास करते हैं। काशी के लोगों को अन्यत्र तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। यह काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर है। इस पृथ्वी पर, भूमंडल पर सारे देश हैं, किंतु काशी एक ऐसा क्षेत्र है जो काशी भूमि पर न होकर अंतरिक्ष में है और वो भगवान के त्रिशूल पर है। और ठीक से देखोगे चौकी घाट, केदार मंदिर, लाली घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये त्रिशूल के बीच वाला शूल है। इधर के बाएं साइड में देखोगे तो गड्ढा गंगा अंदर में घुसा है, इधर में भी देखोगे तो जैन घाट अंदर की तरफ घुसा है। काशी जैसी मोक्ष की नगरी में मोक्ष प्रदान करते समय भगवान प्रत्येक जीवात्मा के प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। वो तारक मंत्र क्या है? वो तारक मंत्र प्रणव सहित राम नाम है। राम नमः शिवाय।
मरणम मंगलम यत्र, यहाँ मरना ही मंगलमय सूचक है। काशी का मणिकर्णिका तीर्थ है। मणिकर्णिका शमशान नहीं, महाशमशान है। और जगह शमशान है जहाँ चीता जलती है, मणिकर्णिका महाशमशान जहाँ चीताएं जलती हैं। इन अ डे वी क्रीमेट अराउंड 300-400 बॉडीज अ डे। जो पुरुषार्थ चतुष्टय बताए गए हैं, तंब बताए गए हैं, धर्म अर्थ कर्म मोक्ष, विश्वेश्वर समम लिंगम न काशी सदृशी पुरी न मणिकर्णिका समो तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोल के, कि काशी विश्वेश्वर के समान या काशी विश्वेश्वर जैसा कोई लिंग नहीं, मणिकर्णिका से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, सात पुरियों में काशी जैसा कोई पुरी नहीं, और संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं। यू कैन फील द स्पिरिचुअल एनर्जी। इट इज द सिटी वेयर वी सेलिब्रेट द डेथ। इसीलिए जब आप देखेंगे काशी में कोई शव यात्रा जा रही है श्मशान को शवदाह के निमित्त, तो बड़े बाजा गाजा के साथ बाजा बजाते हुए और बड़ी हर्षद ध्वनि करते हुए खूब बढ़िया बढ़िया नए नए वस्त्रों से उनकी साज सज्जा कर पुष्पमाल हार नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से उनको सजा कर उनके ऊपर अबीर गुलाल आदि लगा कर और कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। काशी में मरे प्राणी या नहीं, बाहर भी मरे उसका भी शव काशी ला करके शवदाह करेंगे, क्योंकि यहाँ मरा तो नहीं किंतु जला तो, उसकी अस्थियां तो जली, अग्नि को भेंट हुई और गंगा में प्रवाह किया गया, वो साक्षात मोक्ष का अधिकारी हो गया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। और भगवान विश्वनाथ काशी में प्रत्येक मृत्यु प्राप्त व्यक्ति के कान में, जो मुमूर्षु है, जो मृत्यु प्राप्ति की कामना से काशी में आया है और अंतिम सांस अपने ले रहा है, उसके कान में तारक मंत्र देकर उसे मुक्त कर देते हैं। अघोरभ्य घोरभ्य घोर घोर तरेभ्य औरभ्य सर्वो सर्वेभ्य नमस्ते अस्त्रु रुद्रभ्य। मेरे ये जीवन मोह माया परित है। वैदिक काल से प्रारंभ माना जाता है सबसे बड़े अघोरी अघोर तंत्र के संस्थापक भगवान शिव हैं। अघोरे भ्यो तघोरे भ्यो घोर घोर तरे भ्या सर्वे भ्या सर्व सर्वे भ्या नमस्ते अस्तु रुद्र रूपे भ्या। भगवान रुद्र रूप में जो हमारे आपके समक्ष हैं, वो घोर से भी घोर, घोर से भी घोर, गाढ़ेपन से भी प्रगाढ़, प्रगाढ़ता से भी प्रगाढ़ता, जो आप जानते हैं कि वो घोर के तृतीय स्तर को भी आप पकड़ लें उसे भी अघोर हैं, ऐसे रुद्र स्वरूप की हम उपासना करते हैं। हम अघोरी हैं,
अघोरी के प्रारंभिक अर्थ होता है जो खप्पड़ में खाते हैं, मसान में लेटते हैं और भभूति रमाते हैं, वो अघोरी है। इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। कभी कभी सवा दो लाख भी एक दिन में जाप करना पड़ता है, फिर नहीं है। अघोर कोई अलग परंपरा या अलग पंथ नहीं है, अघोर एक पदवी है जो सारी साधनाएं, चाहे वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, तांत्रिक हो, कापालिक हो, नागा हो, दशनामी हो, सीताराम हो, सबको पहुंचना वही है। अघोर का मतलब जो सहज हो जाए, सरल हो जाए, सिंपल। और अघोर से बड़ा कोई पद नहीं है पूरे विश्व में। कहें ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम धायंती योगिना, सारे योगी ओंकार पर ध्यान कर रहे हैं अलग अलग नाम पर, और सारे पंथ अघोर की तरफ जा रहे हैं। जहाँ भेद खत्म होगा वहीं शिव मिलेगा। शिव अभेद है, अद्वैत है, सिर्फ एक जहाँ सत्ता है वो शिव है। दुनिया में सबसे शुद्ध अगर कोई जगह है तो वह है मसान। जीवित व्यक्ति का ये जो शरीर है, प्राणी का, पंच तत्व से मिलकर के बना है। पंच तत्व प्रधान शरीर जब प्राण के निकल जाने पर पुनः अग्नि को समर्पित होता है, अर्थात उसका जो भस्म प्राप्त हो रहा है, ये क्या है? पंच तत्व का भस्म है। अंतिम जो परिणति हुई अग्नि में जल जाने के बाद, वह भस्म के रूप में हुई, और वो भस्म इस भूमंडल की रचना करता है। बहुत शक्तिशाली होते हैं चिता भस्म जो होते हैं। जैसे एक आदमी सारा जीवन में कितना खाना खाते हैं, कितने एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, वो कहाँ फ्रूट लेते हैं, ड्राई फ्रूट लेते हैं, मांस मतलब शराब सब बगड़ा बगड़ा हरियाली खाते हैं, इसका जो एनर्जी है ये कहाँ जाता है? इसका कैलोरी जो है कुछ हम लोग के कर्म में लगता है, दैनंदिक शरीर चर्चा के में लगता है कुछ, और ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टोर हो जाता है। ये कहाँ स्टोर होता है? अपना शरीर में। उसके लिए वो सहोदर रूप में है, उसका वो अपने शरीर पर भस्म का लेपन करता है, वो उसका आभूषण है। क्योंकि वो भस्म शिव जी का आभूषण है, इसलिए अघोरी जो शिव जी का भक्त है वो उसका आभूषण है। कोई जगह के अग्नि चेतन की करके जलाया जाए तो जगह संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो मसान ऐसे एक जगह है जहाँ पर भोलेनाथ ने आके सती शरीर त्यागने के बाद भोलेनाथ ने आके मसान में बैठ के साधना किया था, जाप किया था। अब अघोर को बड़ा बदनाम कर दिया है कि भाई जो है मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, शव के ऊपर साधना करते हैं, चिताओं की भस्म रमाते हैं, खप्पर लेके चलते हैं कपाल का। तो उसका सिंबलाइजेशन है, उसको साइकोलॉजी को समझो। हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथों में जो भी कहानियाँ लिखी गई उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण थे। खप्पर में खाएंगे, उसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है, उसको फिजिकल करने का भी रीज़न है। उसका रीज़न ये कपाल, सबसे हम लोग का जो पूरी लाइफ है वो यहीं से चैनलाइज हो रही है, इतने एरिया से ये, इसलिए हर धर्म में इसको झुकाने का विधान रखा गया। तो उसको झुकाने का सिंबल है, एक सिंबलाइजेशन है कि हम इसको झुका रहे हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गुरु, अब ये खोपड़ा अपने हिसाब से चलाओ, हमसे ये कपाल चलने नहीं वाला, इसको आप अपने में रखो और इसको चलाओ। इसलिए शंकर भगवान के हाथ में कपाल दिखाते हैं, माँ के हाथ में कपाल दिखाते हैं, खप्पड़ दिखाते हैं, हे माई, और इस खप्पर को तुम चलाओ, हमसे नहीं चलने वाला ये खप्पर। अब जैसे आदमी जो मुर्गे का मांस खाता है और वो कहता है कि हाँ ये खाने योग्य है, हम भजन में बैठे उस समय हम थोड़ा सा अगर इंसान का मांस खा रहे हैं, कहता है ये घृणा है, ये गंदी चीज़ है। अघोर का पहला ही अर्थ होता है जिसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, जिसके लिए सब एक है, सब शिव है। इसलिए हमारे कहते हैं हर 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 महादेव, सब में महादेव, कुछ ऐसा नहीं जो महादेव से परे हो। जितने भी संसार में जीव है सब पंच तत्वों से बने हैं, वो पांच तत्व सब में है, छिटी जल पावे गगन समीरा, पंच तत्व का बना शरीरा। मुर्गे में भी वही पंच तत्व हैं, शेर में भी वही पंच तत्व हैं, मनुष्य में भी वही पंच तत्व हैं, बकरे में भी वही पंच तत्व हैं।
आप उन्हीं पंचतत्वों को एक जगह खा रहे हो बोल रहे हो अच्छा है, दूसरी जगह खा रहे हो बोल रहे हो अच्छा नहीं है। दोनों पंचतत्व हैं, जब यहाँ पे समता आ जाएगी तब अघोर होता है, तब वो अघोरी कहलाएगा कि हाँ इसके अंदर कुछ घोर नहीं रह गया, ये सहज हो गया है, सुंदर हो गया। इसलिए भोलेनाथ को अघोरदानी कहते हैं, प्रथम अघोरी शिव को कहते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं रह गया है। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो। तो काशी के दो ही राजे हैं, काशी नरेश जी पहले हैं, दूसरा डोम राजा जी हैं। हम लोग कल्लू डोम के परिवार के हैं, आज से नहीं आद के जमाने से हैं। ये जलती चिता की लकड़ी जो होती है उसी लकड़ी को मैं अपने धुना पर रखता हूँ, उसी लकड़ी को मैं दो जिंदगी आगे देता हूँ, उसका पैसा लेता हूँ और उसी से सारा संसार उद्धार होता है। विश्व की संपूर्ण सभ्यताओं में काशी सबसे प्राचीन सर्व प्राचीन जीवंत नगरी है, ये हमेशा अजर अमर है। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं, काशी में जन्म लिया है, जहाँ लोग मरने की कामना कर रहे हैं और यहीं पे एक दिन मर जाना है, पंच तत्वों में विलीन हो जाना है और मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। मोक्ष ही एकमात्र अल्टीमेट गुड है। संस्कृति जीवंत है, ये नश्वर है, ये नाश होने वाली नहीं है, अनश्वर है।